द एरिया अराउंड अवर होम इज़ अवर नेबरहुड देर आर मैनी इम्पोर्टेंट प्लेस लाइक स्कूल मार्केट बैंक पोस्ट ऑफिस एंड पुलिस स्टेशन इन आवर neighborhood. ए गुड नेबरहुड gives अस मैनी यूजफुल services. जो भी एरिया जो भी जगह हमारे घर के आसपास हमें देखने को मिलती है वो आ, उसको हम नेबरहुड कहते हैं उसको हम हमसाय कहते हैं मतलब जो भी जगह जो भी आसपास हम घर देखते हैं बिल्डिंग्स देखते हैं लैंड है जो भी एरिया है हमारे घर के आसपास उसको हम अपना नेबरहुड कंसिडर करते हैं तो इसको हम अपना हमसायगी कहते हैं हम अपने हमसायगी में बहुत सारी बिल्डिंग्स हमें देखने को मिलती हैं बहुत सारे लोग जो रह रहे होते हैं वो देखने को मिलते हैं और भी कुछ ऐसी जगहें होती हैं जो हमें देखने को मिलती हैं देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट प्लेसेस लाइक स्कूल मार्केट बैंक पोस्ट ऑफिस एंड पुलिस स्टेशन इन अवर नेबरहुड एक तो वी गेट टू सी कि एक तो बहुत सारे मकान हमें देखने को मिलते हैं जिनमें लोग रहते हैं प्लस इनमें से कुछ हट के भी हमें देखने को मिलता है जैसे वी कैन गेट टू सी यो स्कूल एक स्कूल हमें देखने को मिलता है एक नेबरहुड में हॉस्पिटल देखने को मिलता है पुलिस स्टेशन देखने को मिलता है बैंक देखने को मिलता है मार्केट देखने को मिलता है पोस्ट ऑफिस में देखने को मिलता है सो so ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमारे लिए होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड ये होते हैं एक नेबरहुड में अ गुड नेबरहुड गिव्स अस मैनी यूज़फुल सर्विसेज एक अच्छा नेबरहुड एक अच्छी हमसाएगी जो है हमें बहुत अच्छी और मुफीद और फ़ायदेमंद सर्विसेज मिलती है यू नो हॉस्पिटल क्यों जाते हैं जब हम बीमार होते हैं तो हम अपना ट्रीटमेंट कराने हॉस्पिटल जाते हैं जब हमें कुछ समझ नहीं आता हम पढ़ नहीं पाते लिख नहीं पाते तो हम स्कूल जाते हैं वहाँ पर हमें टीचर पढ़ाते हैं जब हमें किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो हम पुलिस के पास जाते हैं जो हमारी प्रॉब्लम्स को हल करती है तो देट मीनस जो वन का काम करना हमारे लिए कि डॉक्टर्स का हॉस्पिटल में होना टीचर्स का स्कूल में होना पुलिस मैन का पुलिस स्टेशन में होना वो वहाँ पे अपने लिए नहीं होते हैं वो लोगों के लिए होते हैं वो वहाँ के आसपास के लोगों के लिए होते हैं विच मीनस कि वो लोगों के लिए सर्विसेज देते हैं लोगों को सर्व करते हैं उनके लिए काम करते हैं सो एक अच्छे नेबरहुड में जब ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं ऐसी ऐसी जगहें होती हैं चाहे वो हॉस्पिटल हो स्कूल हो प्री स्टेशन हो एक्सेट्रा तो इनसे हमें मुफ़ीद इनसे हमें फ़ायदेमंद सर्विसेज मिलती है इनसे हमें वो काम आ, ये हमारे लिए करते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है जो हमारे फ़ायदे के लिए हैं हमारे मुनाफ़े के लिए हैं इनमें से पहले हम डिस्कस करेंगे हॉस्पिटल वी गो टू हॉस्पिटल वैन वी आर सिक और हर्ट द डॉक्टर अस एंड गिव्स अस मेडिसन्स द नर्स हेल्प्स द डॉक्टर हॉस्पिटल की अगर हम बात करेंगे जो हॉस्पिटल होता है वहाँ पे हम तब जाते हैं जब किसी को लग जाती है कोई बीमार होता है तो वो डॉक्टर के पास हॉस्पिटल के जाता है वहाँ पे डॉक्टर उनको चेकअप करते हैं कि उनको कौन सी प्रॉब्लम है किस में दर्द है एंड दैन वो मेडिकल मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो ये सब चीज़ें कहाँ पे होती है हॉस्पिटल में एंड नर्स वहाँ पे होती है जो इनको असिस्ट करती है डॉक्टर को कि यू नो डॉक्टर को जो भी चाहिए होता है फिर चाहे वो सेथस्कोप हो या फिर वट एवर एक डॉक्टर को चाहिए होता है पेशेंट को चेकअप करने के दौरान या फिर जो नर्स होती है वो पेशेंट का लुक आफ्टर करती है उनका ख्याल रखती है उनका ध्यान रखती है सो so, डॉक्टर जो होता है डॉक्टर का हॉस्पिटल में होना हमारे लिए हमारी सर्विस के लिए हमारे लिए वहाँ पे बैठना हमारा ट्रीटमेंट करना हमें ठीक करना तो ये एक नेबरहुड में बहुत ही जरूरी है कि नेबरहुड में एक हॉस्पिटल हो अब अगर एक हॉस्पिटल नहीं होगा तो किसी को कभी लग जाती है तो उसे ये ख़तरा भी है कि उस इंसान की जान भी जा सकती है तो अगर एक नेबरहुड में हॉस्पिटल होगा तो उससे बहुत सारे लोगों की जान बच सकती है सेकेंड वन इज़ बैंक वी गो टू बैंक टू कीप आवर मनी एंड ज्वेलरी सेफ दूसरी एक ऐसी जगह जो हमारे नेबरहुड में हमें देखने को मिलती है वो बैंक है जहाँ पे हम अपने पैसे और जेवरात रखते हैं क्योंकि बैंक में सेफ़ रहते हैं वहाँ पे चोरी होने का ख़तरा नहीं होता है वहाँ पे वो सेफली रखे जाते हैं बट वही चीज़ें अगर हम घर में रखेंगे यही पैसे और जेवरात घर में रखेंगे तो वहाँ पर चांसेस है वो खो सकते हैं वो गुम हो सकते हैं या फिर वो चोरी हो सकते हैं तो बैंक जो है वो एक्ट करता है एज यू नो एज अ सेफ्टी फॉर आवर मनी एंड फॉर आवर Uh, ज्वेलरी तो जब भी फिर हमें चाहिए होगा मनी की ज़रूरत है या ज्वेलरी की तो एट दैट टाइम हम बैंक जाके वो निकाल सकते हैं थर्ड वन इज़ पुलिस स्टेशन आर नेबरहुड हैज़ पुलिस स्टेशन द पुलिस मैन कैश थीव एंड रॉबर्स दे ऑल्सो लुक आफ्टर द ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में पुलिस मैन ओबियसली होते हैं उनका काम होता है चोरों को पकड़ना कि कहीं पे कुछ गलत हो रहा है कोई नाइंसाफ़ी किसी के साथ हो रही है या फिर कोई गलत काम हो रहा है तो पुलिस का काम है वहाँ पे पहुँचना उन लोगों को पकड़ना है, उन लोगों को सज़ा देना एंड uh, उनका ये है कि इनको लोगों का ध्यान रखना है लोगों का ख्याल रखना है लोगों की सेफ्टी के लिए ये होते हैं ऑल्सो ट्रैफिक जो होता है उसको भी ये उसका भी लुकऑफ्ट करते हैं उसका भी ध्यान रखते हैं कि ट्रैफिक जैम ना हो जाए यू you नो know, किसी कतरा का तरह का एक्सीडेंट ना हो यू नो ज़्यादा जो है कोई गाड़ी किसी गाड़ी को ओवरटेक ना करे सो so, जो भी ऐसी ट्रैफिक रूल्स होते हैं वो फॉलो करे जो भी लोग हैं गाड़ियाँ गाड़ियाँ चला रहे होते हैं या सड़क पर होते हैं वो ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें तो इनका ये भी काम रहता है सो so, एक पुलिस स्टेशन का होना एक नेबरहुड में भी इसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है फ़ायदा है

और फ्लावर शॉप होती है कोई मेडिकल शॉप होती है कोई क्लोथिंग शॉप होती है तो जब भी हमें किसी चीज़ की इनमें से ज़रूरत पड़ती है तो वी जस्ट गो टू द लोकल मार्केट हम लोकल मार्केट जाके वो ख़रीद लेते हैं तो इन शॉप्स का होना भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ अदरवाइज़ हमें ट्रैवल करना पड़ेगा बहुत दूर तक जाना पड़ेगा जहाँ से हमें चीज़ें मिल सकती हैं हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा तो कभी इमरजेंसी भी होती है कोई ऐसी जैसे फ़ॉर एक्ज़ाम्पल दवाई है तो दवाई ख़त्म हो गई अब अगर दवाई लेना ज़रूरी है तो अगर मेडिकल शॉप नज़दीक में होगा मार्केट में होगा लोकल मार्केट में तो वी कैन गो गोदेर हम वो बाई कर सकते हैं और वो खा सकते हैं सब ठीक रहेगा बट अब अगर लोकल मार्केट नहीं होगा मेडिकल शॉप्स नहीं होगी हमारे नेबरहुड में तो खतरा है कि यू नो तबीयत ज़्यादा ख़राब हो सकती है कि जब तक हम वो दवाई जहाँ से लाइन लानी होगी वहाँ से लाएंगे तो यू नो कभी कभार हो सकता है कि आ, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए वॉट इफ़ ज़्यादा बीमार हो जाए डेथ भी हो जाए तो लोकल मार्केट का होना बहुत ही ज़रूरी है डिफरेंट शॉप्स का होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज हम इमरजेंसी हो या कभी भी जब भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हम वो ला सकते हैं बिना किसी रुकावट के या बिना किसी ट्रबल के सो ये कुछ ऐसी जगहें है, होती हैं जो नेबरहुड में हमें देखने को मिलती है जिनका होना बहुत ही ज़रूरी है नेबरहुड में हमारे हमसाय में हमारे आस इन जगहों का हमारे आसपास होना बहुत ही ज़रूरी है ये आज के लिए काफ़ी है आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आई होप आपको ये अंडरस्टूड हुआ होगा थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे